आज मैं पूरा भारतीयों के सामने तीन केस रखने जा रहा हूं, लेकिन एक केस को सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है और दो केस को क्यों वायरल नहीं किया जा रहा है, ये मेरा देशवासी के सामने सवाल है। तब पूरा देश भी ऐसे सोच पे आ गया क्या, ये मेरा सवाल है। एक केस को तो बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है, सब देशवासी को पूरा को मालूम है, श्रद्धा और आफताब अमीन का केस। दूसरा जो केस हुआ दिल्ली में ही, चंद्रवीर का केस जो है, उसको अरुण बोल के कोई मर्डर किया, जो ओरिजिनल न्यूज वो दिखाता है, हर देशवासी को देखना चाहिए, दा देशभक्त न्यूज। तो उसपे दो केस दिखाया गया, उसपे मैं देख रहा था, और वो पूरा डिटेल्स लेके ही बात करता है, ऐसे नहीं जो मन में आए बोल देता है, ऐसे बात ऐसे न्यूज वो नहीं दिखाता है। तो जो चंद्रवीर का केस है, जो अरुण बोल के है, कोई बीबी के साथ मिलके 6 फुट गड्ढा खोलता है, मर्डर करता है और खतरनाक मर्डर करता है, उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन सिर्फ श्रद्धा और आफताब अमीन का केस देखा जा रहा है। तो आफताब अमीन को मैं कैसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उस दरिंदों को, औरत को ऐसे जो मर्डर करते हैं, वो मतलब पूरा इबलीस का अनुसरण करता है। तो इबलीस का अनुसारी को उसको इतना मतलब खतरनाक मौत देना चाहिए कि देश में कोई भी किसी का भी ऐसा सोच आए तो वो करने के लिए एक बार डरे कि मेरे को अगर पकड़ लेगा तो मेरे को ऐसे मौत देगा, उसको ऐसे सजा देना चाहिए। लेकिन इसके साथ लाफ जिहाद का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं उसको प्रूफ करके दिखाएगा। और इस्लाम में तो लाफ जिहाद बोल के कोई पार्ट है ही नहीं कि लाभ करके उसके साथ जिहाद कर, ऐसे कुछ पार्ट है नहीं। ये जो इस्लाम का दुश्मन मीडिया है, वो जैसे एक चैनल है ना, वो हर बात पे, हर कोई बात को लाभ जिहाद की तरफ, जिहाद की तरफ, कुरान की तरफ, वो हर टाइम दिखाता है, लेकिन इसके साथ कोई लाभ जिहाद का कनेक्शन नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाएगा। और मैं पहले ये बोल देता हूँ कि तीन केस सामने आया सोशल मीडिया पर, तो तीन केस में जो बड़ा बड़ा मीडिया है उस पे एक ही केस लाया जा रहा है कि श्रद्धा और आफताब अमीन का केस। ऐसा क्यों हो रहा है देश में, ऐसा क्यों हो रहा है देश में, पूरा देशवासी को सोचना चाहिए। वो भी मर्डर किया है, ये दोनों भी मर्डर किया है, और जो चंद्रवीर का, जो तो चंद्रवीर को किस अरुण बोल के किसी ने मर्डर कर दिया, वो भी दिल्ली में आज वो भी कस्टडी में है। और एक केस आया केरल में 2013 में, एक मर्डर हुआ था सीपीएम लीडर का, 11 कार्यकर्ता को उम्र कैद की सजा मिला और 1 लाख रुपए करके जरिमाना मिला, लेकिन इसको कोई भी बड़ा चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है कि आरएसएस ने ऐसा किया, आरएसएस को बैन करना चाहिए, आरएसएस संगठन का ऐसे किसी को, उसका बीबी के सामने जिसको मर्डर किया था वो लोग, उसका बीबी बच्चे का सामने उसको मतलब जान से मार दिया था। तो ऐसे एक संगठन को बैन करना चाहिए, इसको लेके कोई बड़ा बड़ा मीडिया चैनल बात नहीं कर रहा है, उसको लेके दिखाना नहीं चाहता है। जो आरएसएस का 11 कार्यकर्ता को सजा दिया गया कोर्ट द्वारा, उसको कोई दिखाना नहीं चाहता। अगर एक केरल का कोर्ट नहीं होता ना, तो गुजरात का कोई मतलब गुजरात का राज्य का कोई केस होता, वो बोलता वो देशभक्ति वाला काम किया है, उसको छोड़ दीजिए। जैसे बिल्किस बानो का केस पूरा भारतीयों ने देखा। तो मेरा आज बात करना मीडिया के ऊपर कि आप लोग कितना देश को बेवकूफ बनाओगे, देश को कितना मतलब क्या बोलूं कि लड़ने पे मजबूर करेंगे कि एक दूसरे पर लड़े। बड़ा बड़ा मीडिया चैनल यही तो कर रहा है, और जो सुदर्शन न्यूज चैनल, उसके ऊपर सरकार कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन ही ले रहा है, तो उसको बढ़ावा दे रहा है, यही तो दुनिया वाले सोचेगा ना, देश पूरा भारत का जो नागरिक है वो सोचेगा ना। मैं फास्ट जो जिसको लेके सबका मन में गलत सोच हो सकता है कि आफताब अमीन को ये मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, सपोर्ट कर सकता है, अरे भाई आफताब अमीन कोई मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि जो वो अगर मुसलमान होता तो लिविंग रिलेशन नहीं करता, और उसका उसके अकेला को सजा नहीं देना चाहिए, उसके साथ कोई उसका दोस्त भी जुड़ा होगा, उसका भी दिल में अगर हो सकता है ऐसा सोचे तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, उन लोगों को भी बोलना चाहिए कि तुम इसके साथ जुड़ा हुआ था, तुम्हारा माइंड में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके साथ जुड़ा जा रहा है लाभ जिहाद का साथ, लाभ जिहाद, अरे लाभ जिहाद बोल के तो इस्लाम में कुछ पाठ है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ इस्लाम का जुड़ा जुड़ा जा रहा है, ये कोई मदरसे में पढ़ाई करता था,
एक कोई मदरसा में पढ़ाई करता था, एक कोई इस्लाम का इलिम लेके कुछ इस्लाम का मतलब इलिम लेके एक काम किया है कि मैं इस्लाम के लिए इसको प्यार करता था और इसके शादी किया था, इस शादी करने नहीं चाह रहा था। अरे वो आफ्ताब तो इतना बड़ा शैतान है, वो जो सद्दा है उसने शादी करना चाहा था लेकिन इसने नहीं किया, क्योंकि ये मेरा पहली बात ये है जो लिविंग रिलेशन जैसा मतलब ये ऐसे एक शैतानी जो सोच है लिविंग रिलेशन, इसको हमारा देश में बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई कानून क्यों नहीं आ रहा है कि लिविंग रिलेशन हमारा देश में इसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बाहर से आया है, ऐसे कोई रिलेशन हमारा भारतीय का संस्कृति नहीं हो सकता है, इसको बैन किया जाए ये जो ऐसे रिलेशन को, और ये ऐसे भी कोई भी करेगा उसको सजा दिया जाएगा, ऐसा कानून अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो कोई भी किसी का भी दिल में ऐसा सोच होगा तो उसका डर आ जाएगा कि मेरे को जेल में सड़ना पड़ेगा मैं अगर ऐसे कुछ क्राइम करेगा तो, पहली बात। दूसरी बात आता हूँ कि सब जो इस्लाम का खिलाफ है, जो इस्लाम से नफरत करता है, वो लोग दिखा रहा है कि ये लव जिहाद मतलब इस्लाम का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अरे इस्लाम के साथ आप लोग इसको क्यों जोड़ रहे हैं? इस्लाम में लिविंग रिलेशन का कोई जगह नहीं। अगर लिविंग रिलेशन का इस्लाम में कोई अगर करेगा, अगर इस्लामिक कानून देखे तो इस्लामिक कानून से उसको क्या बोलू कि आप लोग जाके देख सकते हैं इस्लाम का कोई अगर कोई जिना करता है उसका सजा क्या है। तो आप लोगों को तो मालूम नहीं है कि इस्लाम के बारे में, तो इस्लाम के ऊपर सवाल उठाने वाला आप लोग कोई नहीं हो, तो आप लोग तो मतलब देश का गद्दार हो और देश को मतलब क्या बोलूं कि लड़ाई की तरफ ले जाने वाले हो, उन जैसे सोच वाले हो, जैसे सुदर्शन न्यूज है और बहुत बड़ा बड़ा न्यूज अभी दिखाई दे रहा है कि ये लोग इस्लाम से तो दुश्मनी करते हैं, अभी देश से भी दुश्मनी कर रहे हैं। अरे ये केस के साथ इस्लाम का क्यों जोड़ रहे हो? ये इस्लाम का कौन सा पालन किया है इसके साथ इस्लाम का जोड़ा जा रहा है? ये मदरसा में पहली बात पढ़ाई नहीं किया, दूसरी बात ये कोई इस्लाम के हिसाब से उसको शादी नहीं किया, इसका कोई उसका फैमिली में ले जाकर नहीं रखा, उसका फैमिली के साथ में ले आके उसका घर में ले जाके नहीं रखा, तो इस्लाम के साथ इसको क्यों जोड़ा जा रहा है कि लव जिहाद हो रहा है हमारा देश में, हमारा देश को बर्बाद किया जा रहा है? देश में तीन केस आया लेकिन दिखाया जा रहा है एक को और उसको ऊपर बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो इस्लाम का इलिम उन लोगों को नहीं है लेकिन उसी केस को इस्लाम की तरफ न्यूज में कि इस्लाम में ऐसे सिखाया जाता है, कोई कोई न्यूज में ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सुदर्शन न्यूज सबसे मतलब फास्ट पे चल रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि इस्लाम में सिखाया जा रहा है कि आप लोग किसी को शादी करो करके ऐसे मर्डर करो, उससे बच्चा पैदा कराओ, लव जिहाद नाम दे दिया गया। तो ये क्या हो रहा है देश में? देश का जो क्या बोलू कि हमारा देश का जो इंटेलिजेंट है वो क्या कर रहा है ऐसे केस में? जो मीडिया सबसे ज्यादा मतलब नफरत जो देश में दिखा रहा है, तो इन लोगों के ऊपर कुछ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? ये लव जिहाद का केस की ये दिखाना चाह रहा है कि मुसलमान ऐसा है, तो दो हिंदू का केस है उसके ऊपर क्यों बात नहीं किया? अरे इस्लाम में ऐसे कुछ है ही नहीं। इस्लाम में होता तो कोई मुफ्ती को, कोई भी मसलक का मुफ्ती को आप लोग सामने लेके आओ कि ऐसा क्राइम क्या है, इस्लाम का हिसाब से क्या जुर्म है, आप लोग बोलो, वो फटाक से बोल देगा कि कुरान हदीस का क्या इलिम है, ऐसे अगर कोई क्राइम करता है उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसको ऐसे मौत दिया जाए कि किसी को करने का हिम्मत ना मिले। लेकिन इसको दिखाया जा रहा है कि इस्लाम में ऐसा है, ये लोग इस्लाम से मतलब बढ़ावा मिलके ये लोग ऐसा कर रहा है। और वो तो इस्लाम मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि वो लिविंग रिलेशन जो करता है उसको शैतान का पुजारी है, इब्लीस है, इब्लीस का पुजारी ऐसा करेगा, तो इब्लीस का पुजारी को इस्लाम के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है आगे? अगर मेरा बात है कि इसको सिर्फ पकड़ लेने से नहीं होगा, इसका माँ बाप को भी पकड़ लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को पकड़ के पूछना चाहिए, आपका बेटा जो किसी से बात नहीं करता चुपचाप रहता था, उसका अगर माइंड का कोई प्रॉब्लम था, ब्रेन का प्रॉब्लम था, वो मतलब क्या बोलूं कि दूसरा कोई सोच था, तो आप पुलिस को क्यों कंप्लेन नहीं किया? उसको पकड़ के पहले भी जेल में डाला जाता तो ऐसे नहीं होता, तो उसका माँ बाप को भी पकड़ना चाहिए कि आपका क्या बोलूं कि उससे ही चाहते हॉलीवुड मूवी से, कि हॉलीवुड में जो कुछ न्यूज में दिखाया जा रहा है कि हॉलीवुड मूवी देख के ही उस पर प्रभावित होके ऐसे किया कि वो बयान दिया है, मैं कोई मूवी देख के कुछ सीरीज देख के वो ऐसे 35 टुकड़ा किया है। तो देश को एक पूरा पुलिस को स्टाफ को ऐसे जो केस हमारा देश में हो रहा है उसके ऊपर एक पूरा एक क्या बोलूं कि एक संगठन तैयार किया जाए पुलिस का, कि वो पूरा एक स्टाफ पूरा मिलके देश में ऐसे कुछ जो केस आ रहा है उन लोगों को कैसे सजा दिया जाए, उन लोगों को जेल में डाला जाए, ऐसा इस पे काम करना चाहिए
देश में, देश का जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर उसको, लेकिन वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहा, नजरअंदाज नहीं कर रहा कि ऐसे हो रहा है तो हो रहा है। तो जो अफ्ताब आमीन है उसको तो सजा ऐसे देना चाहिए कि दूसरा कोई ऐसे सोचे तो उसका दिल, मतलब जो माइंड में सोच है ना, वो सच बर्बाद हो जाए। तो मेरा मेन बात है कि इस्लाम के साथ जोड़ना, एक मतलब क्या बोलूं कि मूर्ख होने का सर्टिफिकेट देना कि लव जिहाद और ये मुसलमान है इसलिए ऐसे किया है, तो ये कोई मुसलमान ऐसे नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको अगर मुसलमान से इस्लाम से जोड़ना है तो कुरान हदीस का हवाला देना पड़ेगा कि कुरान में ऐसे बोला गया, हदीस में ऐसे बोला गया, तो आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा। आप प्रूफ नहीं दे सकते तो आप जोड़ भी नहीं सकते, आप मूर्ख हो और देश का सबसे बड़ा गद्दार हो, देश में मतलब क्या बोलूं कि दंगा लगाने का आप लोगों का दिल में जो सोच है वो उसको बढ़ावा दे रहे हो और कुछ भी नहीं। और ये लव जिहाद का जो नाम जा रहा है, लव जिहाद तो है ही नहीं, मैं पहले ही बोला फिर भी बोल रहा हूँ, लव जिहाद ऐसे कुछ है नहीं। 3 केस हमारा देश में हुआ लेकिन एक को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक को दिखाया जा रहा है, दूसरा और कुछ दूसरा केस को उसके ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाहता। तो इस मतलब बारे में देश को सोचना चाहिए, हर भारतीयों को सोचना चाहिए, हर नौजवान को सोचना चाहिए कि ये जो मुसलमान का नाम पे दिखाया जा रहा है इसमें कुछ सच्चाई है तो प्रूफ दो कि इस्लाम से प्रभावित होके ऐसा किया, इस्लाम में ऐसा है, कुरान में, हदीस में, तो ऐसे कुछ प्रूफ देखे अगर दिखाएं तब मैं भी मानेगा कि इस्लाम में है। प्रूफ कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हर देशवासी को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि मीडिया किसके कहने पर काम कर रहा है, मीडिया क्या चाह रहा है देश में, दंगा फसाद हो या ना हो किसके ऊपर मीडिया काम कर रहा है, जो बड़ा बड़ा मीडिया है वो देश का नौजवान का कितना बड़ा दुश्मन है इसको भी सोच लेना चाहिए। और जो आफ्ताब आमीन को, हर देशवासी को उसके ऊपर बोलना चाहिए कि उसको बड़ा से बड़ा मतलब इतना खतरनाक सजा दी जाए कि किसी को हिम्मत ना मिले ऐसे दोबारा केस करने के लिए। हर देशवासी को आगे आके बोलना चाहिए, हर जो इंडिया का बड़ा बड़ा मौलाना है, बड़ा बड़ा आलिम है, सबको बाहर आना चाहिए, आके बोलना चाहिए इसको इतना बड़ा सजा दो कि दूसरे किसी को हिम्मत ना मिले। और इस पे एक जिस हर मेरा बोलना है कि हर उलेमा को बात करना चाहिए कि ये जो लव जिहाद का मतलब हर बड़ा बड़ा जो इस्लाम का दुश्मन मीडिया है वो सब जो दिखा रहा है इसका सच्चाई क्या है। मेरे तो छोटा मोटा इलिम है, जो बड़ा बड़ा आलिम है उसको सामने आके बोलना चाहिए कि जो कोई भी मुसलमान कुछ करते तो उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो इस कुरान हदीस में है क्या, वो मुसलमान जो बोला जा रहा है कि मुसलमान ऐसे किया है, वो मुसलमान का थोड़ा मतलब जो मुसल्लत ईमान उसके बारे में उसको मालूम है क्या नहीं कि वो सच में वो एक इसका बेटा उसका बाप का नाम मुसलमान है तो उसको मुसलमान नाम पे जोड़ के उसको बोला जा रहा है कि ये इस्लाम में सिखाया जा रहा है। तो मेन बात है कि देश का हर नौजवान को समझना चाहिए कि ये लोग देश में दंगा फसाद कराने के लिए ऐसे मतलब बात किया कर रहा है और दिखाया जा रहा है ऐसे कि जिससे हिंदू मुसलमान मारपीटी हो, एक दूसरे पे लड़ाई करके एक दूसरे को मर्डर कर दे, क्या बोलूं कि दंगा फसाद हो, ऐसे वे लोग चाह रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए देश को और जानना चाहिए कि आफ्ताब आमीन किससे प्रभावित था ये भी जानना चाहिए। वो इस्लाम के अंदर इस्लाम का कोई मतलब क्या बोलूं कि जो सिस्टम है इस्लाम का सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं था, वो किसका सिस्टम को फॉलो करता है इसका ये भी जानना जरूरी है। अगर उसका नाम है आफ्ताब आमीन तो उसका हर काम इस्लाम का होगा, ये सच्चाई कुछ नहीं हो सकता। मेरा नाम सद्दाम है तो मैं हर अल्लाह का सिस्टम को फॉलो कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता, तो मैं इस्लाम का दुश्मन भी हो सकता हूँ। इस पर हर देशवासी को सोचना चाहिए, उस हिसाब से बोलना चाहिए हर भारतीयों का आके कि कोई अगर क्राइम किया है तो उसके उसके ऊपर धर्म का क्यों जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है तो दूसरा को धर्म का भी जोड़ो। 2 केस हुआ ना, तो 3 टोटल 3 केस हुआ, 3 केस पे छोड़ के सिर्फ एक केस पे क्यों ध्यान दिया जा रहा है, इस बात पे हर देशवासी को बात करना चाहिए और हर भाइयों को बोलेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।